बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक होगा और फैक्टराइजेबल नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होगा बट नॉट फैक्टराइजेबल। फैक्टराइजेबल नहीं होगा, मिसाल के तौर पर हमें इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। देखें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखिए, सबसे पहले तो डिग्री, इसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है और नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो कॉन्स्टेंट तो नहीं होगा। बाकी ये देखें, ये लीनियर है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ए अपॉन एक्स फिर प्लस, ये क्वाड्रेटिक है, अनफैक्टराइजेबल है, तो ऊपर जरूर लीनियर आना चाहिए, कॉमन सेंस है, बी एक्स प्लस सी और अपान जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसमें एलसीएम ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको एक्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो बी एक्स ये आ जाएगा बी और एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स। अब देखें, इसमें जो है सबसे पहले तो एक वैल्यू आएगी हमारी से वैल्यू से, पुट एक्स इज इक्वल जीरो करें, जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए के, तो ए 2 के आ जाएगा पहली बार। फिर बाकी आप कंपेयरिंग कोफिशंस करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशंट्स ऑफ, देखें अननोन है 2, कंपेयरिंग कोफिशंट्स ऑफ 2 अननोन, तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर और एक्स है, क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर का देखिए, इधर तो ये माइनस 1 है एक्स स्क्वायर का, इस साइड पे देखिए ये माइनस 1 एक्स स्क्वायर ये है, और ए का ये 1 इंटू ए, तो ए है, ए है और प्लस बी, तो ये माइनस 1 इज इक्वल ए प्लस बी, तो माइनस 1 ए की वैल्यू 2 है प्लस बी, इधर चला जाए तो माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू बी के, तो माइनस 3 आ गया बी के। फिर एक्स का करें, एक्स का इधर माइनस 1 है इज इक्वल टू, इधर ए में नहीं है, इधर ये नहीं है, माइनस 1 इज इक्वल सी, तो डायरेक्ट आ गया। तो आप इधर देखें पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस आर ए अपॉन एक्स, ए की वैल्यू है 2, तो लिखूंगा 2 अपॉन एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू है माइनस 3, तो यह आ जाएगा माइनस 3 एक्स, सी की वैल्यू है माइनस 1, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखें ये करेंगे 2 अपॉन एक्स और ये माइनस कॉमन लेके इधर लेके आ जाओ माइनस, बाकी हो जाएगा 3x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसी तरह एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखें इसमें भी डिग्री में सेम रखूँगा, डिग्री सेम रखूँगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, डिग्री सेम होगी और बाकी जो है देखें करेंगे इसी तरह होगा। ये देखें, इसको कल रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में, 4x³ + x² + 7x + 14 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए, इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा, दो तो लीनियर हैं, दो लीनियर हैं, तो इसको मैं ऐसे ही करूंगा कि ये a अपॉन एक्स प्लस 1 फिर प्लस ये b अपॉन एक्स प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर जरूर इसके लीनियर होगा, तो a और b इस्तेमाल कर चुका हूं, तो अननोन बाकी सी एक्स और प्लस डी अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो वही रखूंगा, ये 4x³ + x² + 7x + 14 = a, एक्स प्लस 1 इसमें है, बाकी इधर बचेगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर प्लस बी, एक्स प्लस 2 तो है, बाकी बचेगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, प्लस सी एक्स प्लस जी को सेपरेट होगा, पहले सी एक्स को करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो है, बाकी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस डी जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा, अब आप देखें इसमें सब दो वैल्यूज मिलेंगे और भी की बाकी कंपेयरिंग कोफिशिएंट होगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4x³ + x² + 7x + 14 इज इक्वल ए, एक्स इसको मल्टीप्लाई करेगा, यह जाएगा एक्स क्यूब्ड प्लस 3x + 2x² + 6, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई करेगा, यह जाएगा एक्स क्यूब्ड प्लस 3x + x² + 3, फिर प्लस सी करेगा, यह जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2 आएगा, इसको x मल्टीप्लाई करेगा ये आ जाएगा एक्स क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और प्लस d ये इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको मैं मिटा दूंगा, इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अच्छा अब आप देखिए कि मैं पहले पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, इसमें माइनस 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के 4, ये आ जाएगा प्लस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 7, ये आ जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू, अब मैं a में ही पुट करूंगा तो a आ जाएगा ये माइनस 1 प्लस 2, और ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस 11 माइनस 11 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू ए, यह जाएगा 1 इंटू 4 के, तो ये ए की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, ए की 1 आ गई। फिर आप पुट करूंगा मैं पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ए की 1 आ गई। अच्छा पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इसमें पुट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू 4, यह आ जाएगा माइनस 32, और प्लस ये एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा प्लस का 4, और ये माइनस के 14, और ये प्लस के 14 इज इक्वल टू बी में से किया, सर बी में पुट करूंगा ये बी, ये देखें एक्स प्लस 1, एक्स है माइनस 2 तो माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 प्लस 3 आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा देखें माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल, सॉरी ये तो माइनस 32 प्लस 4 है, सॉरी ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, तो यह था माइनस 32 प्लस 4 जगह माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 7 बी के, तो ये बी आ जाएगा 4 के, बी 4 के आ गया। बाकी आपको कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने पड़ेंगे, दो अननोन है तो इसमें अननोन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के देखें इधर 4 है, एक्स क्यूब का 4 इज इक्वल इसमें एक ए ए का 1 1 इंटू ए आ गया एक, और इसमें से प्लस बी आ गया, अब ए की ए प्लस बी आ गया और प्लस सी भी आ गया साथ में, प्लस सी भी एक्स क्यूब और कुछ नहीं है, तो ये 4 ए की वैल्यू है 1 और बी की है 4 प्लस सी, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें 4 दोनों साइड में कैंसिल, तो सी आपका आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू सी के, सी आपका माइनस 1 आ गया। अच्छा उसके बाद आप देखें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करेंगे तो इधर 1 है, 1 इज इक्वल टू मैं इधर ही कर रहा हूँ, 1 है एक्स स्क्वायर का, इधर एक्स स्क्वायर का 2 और ए साथ है तो 2 है, और इधर 1 है बी तो प्लस बी, और इधर ये आ जाएगा प्लस 3c, प्लस 3c और इधर प्लस डी, वैल्यूज पुट करें इसमें 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 2, बी की 4 है तो प्लस 4, सी की माइनस 1 है तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस डी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू प्लस 4 6, 6 माइनस 3 3 प्लस डी, तो इधर चला जाए तो माइनस 2 इज इक्वल टू डी के आ गया, डी माइनस 2 के हो गया। तो अब आप पार्शल फ्रैक्शंस में देखेंगे, पार्शल फ्रैक्शंस बेसिकली देखेंगे ये हम करेंगे, इधर मैं लिखता हूँ ए अपॉन एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू देखें कितनी आई है, ए की आई है 1, ए की 1, तो ये आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शंस, और मैं ऊपर लिख रहा हूँ ए की, इसमें देख के कि ए की 1 आई है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, प्लस बी की वैल्यू देखें कितनी आई है, बी की आई है 4, तो आप ये लिखेंगे 4 अपॉन एक्स प्लस 2, प्लस सी की वैल्यू आप देख सकते हैं सी की वैल्यू आई है माइनस 1, गालबन सी की माइनस 1 है, यस सी की माइनस 1 है, सी की माइनस 1, तो यह आ जाएगा माइनस 1 एक्स यानी एक्स, और डी की वैल्यू डी की माइनस 2 आई है तो माइनस 2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, डी की देखें मैंने याद कर ली थी, जैसे मैंने हल नहीं किया हुआ क्वेश्चन, ये आपके सामने मैंने हल किया है, तो ये माइनस 2, तो आपका ये जो है ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन है सी माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, माइनस कॉमन लेके इधर लेके आ जाए, बाकी होगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3।
अब इसको पता कैसे चले कि हमारा ये सही है या गलत है? अब कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करके देखें उसमें और इसमें, अगर इक्वल आ गया तो सही है, ये यकीनन इक्वल है, तो आपका ये इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शंस को करेंगे।